केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टिंग ग्रुप्स देखे थे। डायरेक्टिंग ग्रुप्स कि बेसिकली ये क्या चीज़ें होती हैं, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर अगर पहले से कोई एक सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और अगर आप कोई एक नया सब्सिट्यूएंट वाई ऐड करते हो तो उसके पास पॉसिबिलिटी के वो तीन लोकेशंस पे जा सकता है, ठीक है। आइधर वो ऑर्थो लोकेशन पे जाके अटैच होगा, या वो मेटा लोकेशन पे, या वो पैरा लोकेशन पे जाके अटैच होगा, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये इस एक्स इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी, ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो थे ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, पैरा डायरेक्टिंग। और उनके आपके पास दो फीचर्स जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थे वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कि जो सबसे पहला फीचर ये था कि उसमें अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो कि एक्स वाई फॉर्म की है, यानी पहले एक एटम है फिर दूसरा एटम है, तो अगर तो उसमें से पहला वाला जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इस केस में आपका ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज करता है ये इस बेंजीन रिंग को, ये जो एक्स वाई ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह आपके पास सेकेंड सिचुएशन मैंने आपको ये बताई थी कि आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा एटम लगा हुआ है, एज फॉर एग्जाम्पल एक्स एटम, जिसके ऊपर लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो लोन पेयर्स क्या करते हैं, वो इन दूसरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको रिपेल करते हैं, और वो रिपेल करके वो उनको बेंजीन रिंग का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। इन दोनों सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉन्स वर रिलीज्ड टू बेंजीन रिंग। जो आज हम सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें आपके पास जो आज हम सिचुएशन करने जा रहे हैं वो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग, और इनमें आपके पास ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते बल्कि विदड्रॉ हो जाते हैं, विदड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट से ये कोई एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग है और इस पे कोई एक स्पेशल किस्म का इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम NO2 की बात करते हैं, NO2। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने NH3 देखा था, आज मैं NO2 की बात कर रहा हूँ। NH3 के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि उसमें पहले N लगा होता है, ठीक है, एक तरफ को H, दूसरी तरफ को H, तीसरी तरफ को H, ठीक है। और आज जो हम देख रहे हैं वो है NO2, जिसमें आपके पास लगा हुआ है, पहले आपका N ही लगा हुआ है, एक तरफ को O2 है आपके पास, तो ये यूं करके डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का चार्ज क्या है आपके पास। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसके लास्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स, ठीक है। ये मैंने NH3 लगा दी, बेसिकली NH3 नहीं NH2 होता है आपके पास, जो इसमें हम अमीन ग्रुप NH2 को कहते हैं, तो आपके पास NH2 यहाँ पे, और इसको उसी कलर से हम बना देते हैं, NH2 आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब लेट से कुछ ऐसी सिचुएशन है, इस वाले नाइट्रोजन को अगर आप देखो, ये जो ये वाला नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर होगा या नहीं, इससे देखो तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ना, तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पांच में से वो तो शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, एक यहां पे लोन पेयर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक रीजन तो ये, दूसरी रीजन ये कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ना, बिकॉज ये तो राइट साइड के पीरियोडिक टेबल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं जो ऑर्थो और पैरा वाली थी, ठीक है। यानी एक तो लोन पेयर्स भी पड़े हुए हैं और दूसरी जो है पॉसिबिलिटी कि ये जो अटैच्ड इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग से, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द थर्ड एटम जो यहां पे साथ करके जुड़े हुए, ठीक है। एच और एच जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप नीचे NO2 पे अगर गौर करो तो इसमें जो है तो इसमें भी नाइट्रोजन ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, इसमें भी यहाँ पे नाइट्रोजन था यहाँ पे कार्बन था, बट इस सिचुएशन में ये है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर देर आर नो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि इसने पहले ही पांच पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो पांच पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो इसके आखिरी शेल में मैं आपको बता चुका हूं कि होते ही पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड, जिसकी वजह से क्या है कि इसके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो लोन पेयर्स वाली जो कंडीशन थी वो तो फॉल्स हो गई है, नो लोन पेयर्स। ये लोन के ये वाले स्पेलिंग्स नहीं होते, ये तो उधार वाला लोन हो गया आपके पास, एल ओ एन ई वाला लोन होता है अकेला। और सेकंड जो कंडीशन है वो आपके पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब अगर आप देखो नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हो या ऑक्सीजन की, आपके पास पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, ठीक है, नाइट्रोजन से नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, और लेफ्ट टू राइट आपके पास पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो बढ़ती है, क्योंकि आपके राइट साइड वाले में ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होती है, तो इस बात का मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, सेकंड कंडीशन ये थी कि ये जो ये वाला एटम होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों कंडीशंस के फॉल्स होने की वजह से अब ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहा, अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया, ठीक है। यानी अगर किसी कंपाउंड में NO2 लगा हुआ है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है, और अगर आप कोई भी नई चीज डालोगे तो वो मेटा लोकेशन पे आ जाएगी, ठीक है। इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे देखो ये आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट कर देगा सारे के सारे उस तरफ को, और ये चूंकि बाकी दोनों एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेगा अपनी तरफ को, ठीक है। बेसिकली ये जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना, बाकी ये ज्यादा अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑक्सीजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच लेगा, ये जो इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स इस लोकेशन पे है ना, इनको अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो नाइट्रोजन और कार्बन के आपस में थे, उनके ऊपर रिपल्शन कम हो जाएगी, और रिपल्शन जब कम होगी तो वो नाइट्रोजन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जब नाइट्रोजन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था जो कि बेंजीन की रिंग का था, ये बेंजीन की रिंग वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा NO2 की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा और बेंजीन का रिंग जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। पिछले केस में आपके पास रिंग जो था वो बड़ा हो रहा था और आपके पास रिलीज हो रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इस सिचुएशन में आपके पास बेंजीन का रिंग जो है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ होते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस में आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटा डायरेक्टिंग एक तो नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एक कंपाउंड लूं जिसपे साइनो ग्रुप पहले से लगा हुआ है, यहां पे आपके पास सी एन लगा हुआ है, और सी एन का स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे होता है, कार्बन होता है, ठीक है, और उसके साथ तीन बॉन्ड्स नाइट्रोजन के बने होते हैं। अब आप इसके ऊपर चेक करो क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, नहीं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, ठीक है। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और नाइट्रोजन इज ऑन द राइट साइड ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, दैट मींस के आपकी जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच अगर कोई जो आपको मैंने बताया था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ खींचे चले जाएंगे बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब सारे उसकी तरफ खींचे जाएंगे तो इनके इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इस जगह पे थे उनके ऊपर रिपल्शन कम हो जाएगी और ये भी थोड़े से उस तरफ को कार्बन की तरफ को जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और बेंजीन के रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी उस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अब अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल डालते हो E प्लस, तो वो आके इस लोकेशन पे जाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो इस लोकेशन पे जाना पसंद करेगा, ठीक है, यानी एक लोकेशन छोड़ के दूसरी पे, यानी मेटा लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास इस सिचुएशन में बनेंगे। ये आपके पास स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा यही वाली बात है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर पहले से आपके पास एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना, और बीच में आप एक इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हो, अगर तो वो ऑर्थो लोकेशन पे आके अटैच हो जाए, ठीक है, तो फिर आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। और अगर वो पैरा लोकेशन पे आके अटैच हो जाए, जैसे थर्ड सिचुएशन है, तो अगेन आपके पास अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। ये जो कार्बोकेटाइन्स आपके पास बने हुए हैं जो इंटरमीडिएट बनते हैं जब आप इलेक्ट्रोफाइल
सब्स्टिट्यूट करते हो तो. और जो सेकंड सिचुएशन है मेटा लोकेशन पे, जब अगर आपका अटैच हो तो नो स्पेशल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, ठीक है, ना अनस्टेबल है ना स्टेबल है. और ये जो दो हैं ये अनस्टेबल हैं, इसका मतलब है ये दोनों नहीं होंगे बल्कि ये वाला बनने का चांस ज्यादा है. तो अगर किसी में पहले से इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग है. अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी नाइट्रो लोकेशन पे जाने की, बिकॉज ये स्टेबल, कंपेरेटिवली स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, इनकी निस्बत स्टेबल है. वैसे स्टेबल नहीं है, एक्चुअल से ज्यादा स्टेबल तो हो ही नहीं सकता ना, एक्चुअल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल नहीं होते इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स नॉर्मली होते हैं अनस्टेबल ही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपके पास इसकी निस्बत ये ज्यादा स्टेबल है. तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू भी आप बता सकते हो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो कैसे स्टेबलाइज करते हैं, और स्टेबलाइज नहीं मतलब कैसे अनस्टेबिलिटी से बचाते हैं. इसके बाद आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताई थी. फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो कि एक्स और फिर वाई है. अगर तो आपका एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस पे, और वाई पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि एक्स की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे वाई के, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो यहां का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर रिपल्शन बढ़ जाएगी और ये बेंजीन की तरफ को इसको धक्का मिलेगा और बेसिकली बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा और ऑर्थो और मेटा लोकेशन, ऑर्थो और पैरा लोकेशन वाला केस हो जाएगा आपके पास, ठीक है. और सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर इन्हीं में से एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हो और वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो, सॉरी, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और वाई की ज्यादा हो, यानी वाई पे नेगेटिव चार्ज हो एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस सिचुएशन में ये होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वाई की तरफ चले जाएंगे एक्स और वाई के दरमियान वाले, जिसकी वजह से इन दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन कम हो जाएगी और ये भी इसकी तरफ एक्स की तरफ खींचे जाएंगे, जिसकी वजह से विड्रॉ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है. तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में कहानी. अब आप देखो ये आपके पास एक कार्बोनाइल का एटम लगा हुआ है और ये CH3 इसके साथ लगा हुआ है. अब ये एक कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है. अब आपको ये देखना है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की, बिकॉज इस साइड पे तो है ही ऑक्सीजन ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जितनी है. अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में अगर आप कंपेयर करो, ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड पे प्रोडक्ट टेबल में, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो चूंकि इस फर्स्ट एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बनेंगे. और अब आप क्लोरिनेशन अगर करो इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा कि वो क्लोरिनेशन मेटा लोकेशन पे जाके होगी, यानी यहां पे ये लगा हुआ है ना, तो वन छोड़ के दूसरी लोकेशन यानी मेटा लोकेशन. और अगेन आप देखो नीचे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में भी आपको मैं बता चुका हूं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से हैं ये ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे. ये एरोज आपको पता है, ये एरोज आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ को जाएंगे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स अगर एरो इस तरफ को बना हुआ है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ खींचे चले जाएंगे तो यहां पे रिपल्शन कम होगी और ये विड्रॉ होने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रो ग्रुप के अंदर, ठीक है. और बेंजीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फिर होने के चांसेस कम हो जाएंगे ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे, और फिर वो मेटा लोकेशन पे आके यहां पे अटैच हो जाएगा. अगर कोई इवन पहले से एक नाइट्रो लगा है, अगर एक और नाइट्रो आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, नाइट्रो हमेशा हम ऐसे ही लगाते हैं बाय नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हम लोगों ने NO2 ये अटैच करना होता था, ठीक है. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि NO2 प्लस ये नाइट्रोनियम आयन जो आपके पास है ये इन दोनों के रिएक्शन से आपस में बनता है. तो आपके पास इस तरह का केस बन जाएगा जैसे यहाँ पे बना है और मेटा लोकेशन पे आके और नाइट्रो अटैच हो जाएगा, ठीक है. तो फॉर प्रैक्टिस में आपको ये भी दिखा देता हूं, ये जो मैंने टेबल शुरू में दिखाया था, अब आप देख सकते हो, अब आप बहुत खुद ही इजीली इनमें से कोई भी आप देख के खुद ही बता सकते हो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो मतलब ऑर्थो होगा, पैरा होगा या नाइट्रो होगा, ऑर्थो पैरा या मेटा होगा. फॉर एग्जांपल COOH, इस टेबल को लेट से आप देखो ही ना, राइट साइड पे देखो जहां पे मैं लिख रहा हूं, आपके पास COOH है, इसका स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे होता है, ठीक है, और ये आपके पास लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ. और अब आप मुझे ये बताओ सोच के कि
ये एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अभी हमने सोचना है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा और कार्बन की होती है कम, इसका मतलब है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब आप क्या मुझे बता सकते हो ये कौन सा ये ऑर्थो पैरा होगा या मेटा होगा? ये आपके पास शाबाश मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो साथ जुड़ा हुआ एटम है इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर पार्शियल नेगेटिव होता तो ये ऑर्थो या पैरा हो जाता। तो अब देखो ये मेटा डायरेक्टर्स की कैटेगरी में आ रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी उठा लो, फॉर एग्जाम्पल CF3 उठा लो, एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ एक तरफ को CF3 लगा हुआ है कार्बन और साथ में तीन फ्लोरीन एटम्स। अब आपको पता है फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन पे तो पार्शियल नेगेटिव ही चार्ज होना है ना, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। और चूंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर भी नहीं है, तो इसकी वजह से अगेन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इन सारों में से आप सारे के सारे देख सकते हो, ये सारे के सारे वही हैं जिन पे आपके पास देर आर नो लोन पेयर, एंड इन पर्टिकुलर लोन पेयर ना होने के साथ साथ इनमें एक और चीज भी है कि इनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है किस चीज के ऊपर, जो फर्स्ट एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जो पहला एक्स एटम है ना इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले एक और भी टॉपिक है जो मैंने आपको बेसिकली करवाना है, एंड दैट टॉपिक इज मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक में हम देखने ये लगे हैं कि लेट से आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इसमें दो चीजें लगी हुई हैं पहले से, एक यहां पे एक्स लगी हुई है और एक लेट से यहां पे लगी हुई है वाई, और इसमें आप एक तीसरी चीज अगर डाल दो तो फिर क्या होगा? अब ना डिपेंड करता है, अगर तो ये एक्स कोई ऐसी चीज है जो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब इसका मतलब है कि ये इस एक्स की कोशिश होगी कि ये जेड कहां पे जाए, या तो ऑर्थो लोकेशन पे या पैरा लोकेशन पे। अब पैरा लोकेशन एक्स के हिसाब से कौन सी बनती है? ये, और इस लोकेशन पे तो पहले ही वाई लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर ऑर्थो लोकेशन पे जेड को लगना चाहिए, या तो यहां पे लगना चाहिए, यानी एक्स ये कहता है कि जेड को यहां पे लगना चाहिए, ठीक है। और लेट से कि जो आपका वाई है वो भी आपका ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब वाई ये चाहता है कि Z आके यहां पे अटैच हो, क्योंकि Y के हिसाब से ऑर्थो लोकेशन ये बन रही है और Y के हिसाब से पैरा लोकेशन पे पहले ये एक X लगा हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रबलसम प्रॉब्लम हो गया है। देखो Y ये चाह रहा है कि यहां पे आके अटैच हो और X ये चाह रहा है कि यहां पे आके अटैच हो, और Y ये चाह रहा है कि यहां पे अटैच ना हो, क्योंकि अगर यहां पे अटैच हो गया ना Z तो ये Y के हिसाब से मेटा लोकेशन हो जाएगी और Y ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो जब इस तरह की कोई एक लड़ाई वाली सिचुएशन बन जाती है ना, जब एक लड़ाई हो जाती है दो ग्रुप्स के दरमियान, तो फिर कौन सा ग्रुप जीतता है? सोचो आप कौन सा जीतना चाहिए। फिर इस सिचुएशन में आपके पास जीत जाता है वो वाला ग्रुप जो ऑर्थो लोकेशन पे असाइन कर रहा होता है, ठीक है। ये लड़ाई तो बेसिकली अभी इस सिचुएशन में ना बेसिकली लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि ये भी ऑर्थो है और ये वाला भी ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ठीक है। अमूमन ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें से एक आपके पास ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है और एक आपके पास मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो उनमें से जो ऑर्थो वाला होता है ना वो जीत जाता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा वाला जो ग्रुप है ना वो ऑलवेज विंस, ठीक है, एंड इट विंस फॉर अ रीजन। इसकी एक वजह है ये क्यों जीत जाता है हमेशा ऑर्थो लोकेशन वाला, ऑर्थो लोकेशन वाला ग्रुप हमेशा इस वजह से जीत जाता है बिकॉज ऑर्थो लोकेशन और पैरा लोकेशन का जो लास्ट लेक्चर था अगर उसमें आप जाके देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका जो दरमियान वाला इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता था ना, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, कार्बन कार्बन आयन या व्हाटएवर यू कॉल इट, वो जो पॉजिटिव एक चार्ज के साथ बनता था, उस चार्ज के बेंजिनोनियम गालिबन उसको कहते थे, वो जो होता था वो स्टेबल होता था इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। और आज वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब आप मेटा डायरेक्टिंग करते हो ना तो वो स्टेबल नहीं होता बल्कि वो सो होता है, यानी ना वो अनस्टेबल होता है ना वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो उस स्टेबिलिटी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंक्लूजन निकाला गया है कि चूंकि ऑर्थो ग्रुप्स जो होते हैं ये स्टेबलाइज कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट कार्बन आयंस को,
ये मतलब उस बेंजीनियम आयन को, तो इस वजह से ऑर्थो ग्रुप्स जो होते हैं ये विन कर जाते हैं। ठीक है, इसकी आपके पास एग्जांपल्स, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास देखें एक NO2 लगा हुआ है और एक CH3 पहले से लगा हुआ है, ठीक है। और अब आप क्या करना चाह रहे हो कि आप बीच में ब्रोमिनेशन करना चाह रहे हो। ब्रोमिनेशन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड की जाएगी। अब BR कहां पे जाके अटैच होगा? अब मिथाइल जो है ये आपके पास क्या है, मिथाइल आपके पास ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्थो लोकेशन इसकी क्या बनती है, ये वाली, और पैरा लोकेशन कौन सी बनती है, ये वाली। तो जहां पे मैंने रेड डॉट्स लगाए ना, यहां पे मिथाइल चाहता है कि यहां पे आके अटैच हो जाए ब्रोमीन, और जहां पे मैं अभी ब्लू डॉट्स लगाने लगाऊं, नाइट्रो जो है वो आपके पास क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो नाइट्रो की मर्जी है कि मेटा लोकेशन पे आके अटैच हो, मेटा लोकेशन ये बनती है, दूसरी मेटा लोकेशन नाइट्रो के हिसाब से जो है उस पे तो पहले से मिथाइल लगा हुआ है। अब क्या करें, मतलब नाइट्रो कह रहा है कि इस ब्लू वाली लोकेशन पे अटैच करो, मिथाइल कह रहा है कि रेड वाली लोकेशन पे अटैच करो, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कहा है कि ऑर्थो और पैरा लोकेशन जीत जाती है, और आपके पास देखो कि ब्रोमीन आके इस नीचे इस लोकेशन पे आके अटैच हो गया है, जो कि पैरा लोकेशन है, ऑर्थो पैरा लोकेशन है मिथाइल के हिसाब से, और वो नाइट्रो के हिसाब से भी ऑर्थो और पैरा ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप CH3 और BR का अगर रिएक्शन देखो, CH3 और BR ये पहले से अगर किसी कंपाउंड में है और आप नाइट्रेशन कर रहे हो, यानी NO2 पॉजिटिव आयन को, नाइट्रोनियम आयन को ऐड कर रहे हो, तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, अब CH3 जो है आपके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, और ब्रोमीन भी आपके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, और जब ये दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए हैं तो फिर वो लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई ना। अब ब्रोमीन कहता है कि इसको यहां पे लगाओ, ठीक है, और ये वाला कहता है कि मेरे हिसाब से जो ऑर्थो है उस पे लगाओ, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑर्थो ऑर्थो पे लगाने की कह रहे हैं, तो फिर मिथाइल के हिसाब से जो ऑर्थो लोकेशन है ये यहां पे आके अटैच हो गया, ब्रोमीन के हिसाब से वो ऊपर है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि इनमें से ज्यादा अच्छा ऑर्थो रिएक्टिंग कौन सा है, डायरेक्टिंग कौन सा है। ये जो ऊपर मैंने आपको ऑर्थो डायरेक्टिंग्स की बात बताई थी ना, इसमें कुछ अच्छे ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ वीक होते हैं। ये देखो आपके पास ये स्ट्रांग है और ये नीचे वाले आपके पास वीक हैं, ठीक है। और आपके पास जो अल्का जो हैलाइड ग्रुप्स है ना, वो काफी वीक ग्रुप्स हैं, ऑर्थो डायरेक्टिंग ही होते हैं वो, लेकिन वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर कोई और चीज लगी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल CH3 वगैरह, तो वो उसके निस्बत वीक होते हैं और वो नीचे फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज हम लोगों ने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देखे हैं, और उसकी हम लोगों ने मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के, और हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है, और हम लोगों ने उन एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है जो पहले से अटैच हुए हुए होते हैं बेंजीन रिंग के साथ। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिएक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटीज, रिलेटिव रिएक्टिविटीज, बेसिकली के अगर आपके पास एक अल्केन है, एक अल्कीन है और एक बेंजीन है, तो इन तीनों का आपस में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, कि अगर कोई चीज रिएक्ट करे तो किससे जल्दी करेगी, किससे देर से, और किससे सबसे देर से।